बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जी, और यहाँ पर आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, उसके मतलब पिक्चर भी दिखाता हूँ मैं, जिसमें मदीना अल मुनव्वरा के सहन से, आपको पता है मदीना अल मुनव्वरा का माशाल्लाह सहन भी बहुत बड़ा है। और दूसरी बात ये है जी कि ये वीडियो वायरल हुई है और इसके मतलब क्या कुछ कहा गया सोशल मीडिया के ऊपर और ये सऊदी खातून क्या कह रही है वो भी आपको सुना देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ जी कि जैसा कि हाजी अभी 83,000 से ज़ायद अफराद जो कि मदीना अल मुनव्वरा से कल एक दो दिन में हाजी हजरात अपने अपने मुल्कों में सफ़र कर चुके हैं, ठीक है जी। यानी कि हाजियों का रश भी कम हो रहा है, लेकिन कल जुमा था जी और जुमे वाले दिन आपको पता ही रश होता है। और ये जुमे के बाद की फुटेज हैं जो मैं आपको यहाँ पर शायद अभी उसकी पिक्चर या उसकी वीडियो साथ में दिखा रखा हूँ। ये जुमा के बाद की हैं जी, आप देख सकते हैं हुआ कुछ यूँ है जी। सऊदी खातून जुमे के बाद वहीं से गुजर रही थी मदीना के सहन से और इसने वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो में क्या है जी, जगह जगह के ऊपर खाली बोतलें, टिश्यू पेपर और कुछ रैपर वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो दिखा ये रही है कि सफाई सुथराई वाले भी लगे हुए हैं। मैं इस वीडियो में देख रहा था, आप भी देख सकते हैं, जो कि ये कचरा वगैरह उठा रहे हैं। तो वो कह ये रही थी कि तमाम वो अफराद जो जुमा की नमाज के लिए मदीना अल मुनव्वरा में आते हैं, तो ऐसी चीज़ें यानी कि वाटर पानी वाली बोतल है या टिश्यू है या कोई रैपर वगैरह, तो उसको लपेट कर अपने साथ ही रखें या किसी डस्टबिन में डाल दें, वो बेस्ट है। ऐसे मनाजर मैंने आप यकीन करें पहली दफ़ा वैसे देखे हैं मदीना का सहन से, और इससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विज़िट किया हुआ है जब पाकिस्तान में आया हूँ, उस टाइम आने से कुछ दिन पहले मदीना का, और दो दिन रह चुका हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा मैंने मौसम देखा है। बहरहाल ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई और इसके मतलब कोई भी किसी किस्म का बंदा अगर आपके साथ कोई और बात या और झूठ बोल रहा है तो वो फिर गलत बोल रहा है।